थर्ड लेयर जो है उसके लिए एक रटे रटाए स्टेप्स होते हैं थर्ड लेयर के लिए। थर्ड लेयर में हमें येलो से पहले प्लस बनाना होता है। यहाँ पे हमें एडवांस में प्लस बन चुका है, तो चलिए मैं पहले प्लस को बिगाड़ देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा प्लस बिगड़ चुका है। अभी हमारा ये पहले हम दो लेयर बना चुके हैं, अभी थर्ड लेयर की बारी है। तो प्लस बन गया तो हमें सबसे पहले ऐसा सिंबल ढूंढना होता है, ऐसा जैसे कि हमें यहाँ पे मिल चुका है एल, उल्टा एल। अगर मान लो नहीं मिलता तो मैं जो स्टेप अभी करने वाला हूँ वही सेम स्टेप करते। तो जैसे मिल गया तो देखिए मैंने आपको बेसिक में बताया था कि ये एफ़ होता है या आर होता है, तो वो सारे यूज़ होंगे यहाँ पे। मैं आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा कि स्टेप्स क्या हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा स्टेप्स क्या हैं। तो देखिए कैसे करना होता है इसको सोल्व थर्ड लेयर को। एक रटा रटा स्टेप है, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश, ऐसा करेंगे हमें एक लाइन मिल जाएगी। फिर इसको इस लाइन के साथ कर देना है। फिर सेम स्टेप एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश, ऐसा करेंगे प्लस बन जाएगा। जैसे हमें पहले प्लस मिल चुका था, मैंने उसे हटा दिया था। तो अब जैसे कि मुझे प्लस मिल गया तो सबसे पहला काम यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज होना चाहिए, यहाँ ग्रीन ग्रीन जैसे यहाँ पहले से है, यहाँ ब्लू ब्लू और यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज। तो इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा सेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे मुझे कुछ मिल जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे मुझे ऑरेंज ऑरेंज मिल गया, ब्लू ब्लू मिल गया, बट ये दो स्टेप नहीं मिले, एक तो रेड और ये। तो देखिए सेम स्टेप करने का तरीका है। यहाँ पे मुझे देखिए यहाँ पे साइड में मिले हैं, अगर मुझे साइड में ना मिलता एक यहाँ मिलता एक यहाँ मिलता, तभी मैं इन दोनों को यहाँ रखता, सेम स्टेप करता, तब मैं ये जो करने वाला स्टेप वही स्टेप करता तो हमें ऐसा मिल जाता, इधर ऑरेंज इधर ब्लू, जैसे जो भी कलर दो मिल जाते, जैसे कि यहाँ पे दो मिले। तो सबसे पहले एक जो बनाए उसे पीछे, एक जो बनाए उसे लेफ्ट हैंड में रखना है और सेम स्टेप करना है। तो स्टेप देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है, आर यू यू मतलब दो बार यू, आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश फिर यू डैश। जैसे करेंगे तो रेड रेड बन गया, ब्लू ब्लू बन गया, ऑरेंज ऑरेंज और ग्रीन ग्रीन। तो जैसे हमें प्लस भी मिल गया ए भी। अब हमें इस चारों कोने को फिक्स करने, सबसे पहले एक ऐसा कोना ढूंढेंगे जहाँ पे हमें पहले से बना बनाया हो। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑरेंज ब्लू और येलो यहाँ पे, बस इसको अगर ये घूम जाए, अगर ये वाला घूम जाए तो हमारे यहाँ वाला स्टेप बन जाएगा। तो देखिए एक ऐसा ढूंढना होता, अगर मान लो ऐसा चारों कोने में कहीं पे भी ना मिले तो सेम स्टेप करना ये वाला, ये स्टेप करने के बाद आपको एक मिल जाएगा। तो देखिए और अगर ना भी, तो देखिए कैसे करना है, एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश यू डैश, ये इतना स्टेप करने के बाद देखेंगे यहाँ पे जैसे कि एक तो बना बना पहले था, बाकी भी बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी तो नहीं बन रहा इधर, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं, अभी नहीं बना, तो एक बार और सेम स्टेप करेंगे। तो सेम स्टेप करेंगे जैसे कि एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश यू डैश, ये करने के बाद देखिए एक दो बन चुका होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्लू ऑरेंज तो पहले से था, अभी भी नहीं बना, तो अब एक बार और करेंगे, करते जाएंगे जब तक बने ना। जैसे अब बन गया ग्रीन ऑरेंज येलो, यहाँ पे होना चाहिए ग्रीन ऑरेंज वाला, यहाँ पे ब्लू वाला, यहाँ पे रेड ब्लू येलो और यहाँ पे ग्रीन रेड येलो। तो जैसे कि सारों बन गए, अब हमें इसको सिर्फ ऐसे घुमा देना है। कैसे करके घुमा दें, तो देखो घुमाने का तरीका सबसे ईजी कौन सा है, ये सेम स्टेप करना है आपको ये घुमाने के लिए, आर डैश डी डैश आर डी, ऐसा करते जाना है, आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी, जब तक ये हमारा येलो वाला ऊपर ना जाए। जैसे येलो ऊपर आ गया, अब क्यूब को नहीं घुमाना, क्यूब जैसा पकड़ रखा है ऐसे ही पकड़ रखना, इसको अपर लेयर को सिर्फ घुमाना, इसको घुमाया सेम चीज़, आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी। जैसे येलो ये भी आ गया ऊपर, एक बार और घुमाना है, नीचे का हमारा ख़राब हो रहा है कोई बात नहीं, उसे टेंशन नहीं है, घुमाया फिर आर डैश यू डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी, ये बन गया एक लास्ट वाला, आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी, इसके घुमाया तो हमारा एक क्यूब पूरा तैयार हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं 3x3 का क्यूब हमारा पूरा तैयार हो गया।